subscribe, and turn your notifications on. Chapter 21, Defamation. इसकी पनिशमेंट क्या है और इसकी सजा क्या है और ये होता कैसे और ये रिटन फॉर्म पे कब होता है, आप किसी को रिटन फॉर्म पे कैसे कैसे डिफेम कर सकते हैं, आप ऑरली किसी इंसान को कैसे कैसे डिफेम कर सकते हैं, आप अपने अशारों से किसी इंसान को कब डिफेम करते हैं और इनकी सज़ा क्या है जब आप किसी इंसान को ऑरल या रिटन किसी फॉर्म पे या इशारों के साथ उसको डिफेम करते हैं, तो उनकी सज़ाएँ क्या क्या हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. What is the minimum and the maximum punishment for spreading rumors and lies? क्या पनिशमेंट है अगर आप किसी इंसान के बारे में गलत इंफॉर्मेशन या रूमर्स या उसके बारे में झूठ फैला रहे हैं, तो इसकी क्या सजा है लॉ के अंदर? Gossip is a crime of defamation. जब आप गॉसिप करते हैं किसी इंसान के बारे में, उसके करेक्टर के बारे में या उसकी किसी भी चीज़ के बारे में या उसकी तरक्की के बारे में या उसके किसी लॉस के बारे में या उसकी नाकामी के बारे में आप गॉसिप करते हैं, तो उसकी सज़ा क्या है? वो एक क्राइम है, डेफेमेशन का एक क्राइम आप करते हैं. कैन आई सू फॉर डेफेमेशन? यस, हम कर सकते हैं. हेट स्पीच इज़ अ क्राइम. जो आप किसी के बारे में हेट स्पीच देते हैं वो भी एक क्राइम है, वो भी डेफेमेशन के अंदर ही इंक्लूड होता है. फॉल्स एलिगेशन इज़ अ क्राइम. अगर आप किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और झूठी बातें करते हैं किसी के ऊपर किसी किस्म का भी, वो एक क्राइम है और वो डेफेमेशन का क्राइम उसको कहते हैं. डिफेमिंग अ पर्सन करेक्टर इज़ अ क्राइम. अगर आप किसी के करेक्टर को उसके बारे में बुरा भला कहते हैं और उसके करेक्टर को गिराने की कोशिश करते हैं लोगों की नज़रों में या उसके बारे में बुरी चीज़ फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोगों की नज़रों में गिर जाए, उसका करेक्टर ख़राब हो, तो ये क्राइम है और ये डिफेमेशन के अंदर ही इंक्लूड होता है. व्हाट इज़ ऑरल डिफेमेशन? हम इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे कि ऑरली आप ज़बान के थ्रू कैसे करते हैं. रिटन डेफेमेशन कब होती है ये भी हम इसी के अंदर ही देखेंगे. डेफेमेशन बाय यूजिंग जेस्चर, बाय साइन, बाय वेविंग, बाय इंडिकेशन, बाय एक्शन एंड मूवमेंट्स इज आल्सो अ क्राइम. सीधी सी बात है, ओरल हो गई, रिटन हो गई और आप खड़े होकर किसी को वेव कर रहे हैं, अपने जेस्चर शो कर रहे हैं या अपना एटीट्यूड शो कर रहे हैं या किसी तरह से भी इंडिकेशन कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं या कोई चीज़ हिला रहे हैं, तो इससे भी डेफेमेशन होती है और आप इस पर अगर कोई इस तरह से कोई हरकत कर रहा है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं या FIR कटवा सकते हैं. स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इज़ अ क्राइम. अगर आप किसी के बारे में झूठी इंफॉर्मेशन फैलाएंगे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी और आपको कोर्ट पर जाके प्रूफ करना पड़ेगा. अब वह अगला बंदा आपको कोर्ट पर ले जाएगा. गिविंग बैड आर्गूमेंट्स एंड कमेंट्स इज़ अ क्राइम. अगर आप किसी के बारे में बैड आर्गूमेंट्स करते हैं या कमेंट्स मारते हैं या उनको टोंट मारते हैं या कोई गंदे कमेंट्स या छेड़ते हैं किसी को, ठीक है, या उल्टे पुलटे नाम लेते हैं, तो ये भी एक क्राइम है और डेफेमेशन का केस आपके ऊपर हो सकता है और हो जाएगा और कोर्ट पे आके आपको प्रूफ करना पड़ेगा या आपने जो भी डिफेंस लेना होगा आप लेंगे. यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज इज़ अ क्राइम. अगर आप किसी को गाली देते हैं किसी किस्म की भी, उसको या उसके पेरेंट्स को या किसी को भी, तो ये क्राइम और आपके ऊपर केस हो जाएगा. इंसल्टिंग अ क्राइम ऑफ डेफेमेशन. इंसल्टिंग इज़ अ क्राइम. इंसल्ट किसी करना, किसी की बेइज्जती करना, अगर कोई आपकी कोई बेइज्जती करता है वो क्राइम है, आप उसके ऊपर FIR कटवा सकते हैं. डिग्रेडिंग एंड ह्यूमिलेटिंग इज अ क्राइम ऑफ डेफेमेशन. अगर आपको कोई डिग्रेड करता है आपकी किसी चीज को या आपकी किसी सक्सेस को या आपके किसी काम को डिग्रेड करता है या आपको ह्यूमिलेट करता है, तो आप उसके ऊपर डेफेमेशन का पर्चा करवा सकते हैं या FIR कटवा सकते हैं. बैड रिमार्क्स या कम्प्लीमेंट्स कोई दे आपके बारे में, तो तब भी आप उसके ऊपर FIR कटवा सकते हैं, डेफेमेशन की, ये क्राइम है. बैक बाइटिंग एंड बैक
टैबिंग इज अ क्राइम. अगर आपके बारे में कोई बैग बाइटिंग कर रहा है और आपको पता चल गया है तो आप उसके ऊपर FIR कटवा सकते हैं डेफेमेशन की. हार्म अ पर्सन रेपुटेशन इज अ क्राइम. अगर कोई आपकी रेपुटेशन को खराब कर रहा है सोसाइटी में या कहीं भी, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं भी, तो आप उस अगले बंदे के ऊपर FIR कटवा सकते हैं. हार्म अ पर्सन मॉरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर. अगर आपके इंटेलेक्चुअल या मॉरल करेक्टर के ऊपर कोई बात उठाता है, सही है, और या करता है और वो खराब करने की कोशिश कर रहा है, देन आप उसके ऊपर डेफेमेशन की FIR कटवा सकते हैं. हार्म अ पर्सन कास्ट और फैमिली सोशल बैकग्राउंड इज अ क्राइम ऑफ डेफेमेशन. अगर आपकी कास्ट या फैमिली बैकग्राउंड के बीच के ऊपर कोई बात कर रहा है या उसको बुरा भला कह रहा है या किसी तरह से भी किसी ने बात उठाई है तो आप उसके ऊपर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं. हार्मिंग अ पर्सन बाय बिलीविंग, थिंकिंग, कंसिडरिंग दैट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज इन अ डिस्कस्टिंग, नास्टी, हेटफुल स्टेट और इन द स्टेट ऑफ जनरली कंसिडर हैज डिसग्रेसफुल, शेमफुल इज अ क्राइम ऑफ डेफेमेशन. मतलब ये कि अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है, ये तो बहुत ही गंदा घटिया इंसान है, कोई आपको इस नज़र से देख रहा है या सोच रहा है, इस नज़र से आपको देखता है और उसकी इस नज़र से सोच है आपके बारे में, तो आप तब भी उसके ऊपर FIR कटवा सकते हैं डेफेमेशन की. सही है कि अगर आपके बारे में कोई इस तरह से कहता है कि आप डिसग्रेसफुल या शेमफुल, किसी ने आपके बारे में ख्यालात रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर आप FIR कटवा सकते हैं. FIR अंडर सेक्शन 449 डेफामेशन. Whoever by word either spoken or intended to be read or by sign or by visible representation makes, publish any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said to be defamed that person. Matlab ye ke अगर आप किसी इंसान के खिलाफ कोई बात बोलते हैं या फिर आप उसके खिलाफ कोई बात पब्लिश करते हैं या फिर आप उसके खिलाफ कोई बात रिटर्न में लिखते हैं या फिर आप उसके खिलाफ कोई इशारे करते हैं और अगर आपके उल्टा सीधा बोलने से उस इंसान की इज्जत को कोई नुकसान या हार्म या कोई नुकसान होता है या फिर आपकी वजह से उस इंसान का नाम ख़राब होता है या उस इंसान की बदनामी बेइज्जती होती है या उस इंसान की इमेज और रेपुटेशन डाउन होती है, तो ऐसे में आप पर डेफेमेशन की FIR होगी. सेक्शन 449 पे कुछ कंडीशंस हैं, ये चार कंडीशंस हैं, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफेमेशन का मतलब क्या है. फेम है आपकी प्रॉपर्टी और इज्जत आपकी एक प्रॉपर्टी है और अगर इस प्रॉपर्टी को कोई हार्म या नुकसान पहुंचाता है या ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसको कहते हैं हम डिफेमेशन या डेफेमेशन. सही है, तो ये चीज़ें हैं. यहाँ पर पहली कंडीशन है नंबर 1, बाय वर्ड आइदर ओरल रिटन स्पोकन और बाय पब्लिश और बाय साइन एंड जेस्चर्स. तो ये लाइक सिंपल सा है कि आपकी जो इज्जत है, अगर किसी ने आपके बारे में कुछ ओरल बोल दिया है या कुछ रिटन में लिख दिया है, ठीक है, और उसके अलावा अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई चीज़ पब्लिश की है या कोई दूर से आपको साइन एंड जेस्चर्स दे रहा है कोई और आपको लग रहा है कि आपकी इज्जत उसकी वजह से ख़राब हो रही है या आप अपनी आपकी इज्जत को फ़र्क पड़ रहा है उसके उन इशारों से या उसके साइन एंड जेस्चर से या उसके मोशन से या उसकी मूवमेंट से, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है मेकिंग एनी फॉल्स एलिगेशन. उन इशारों से, उन वर्ड से जो ओरल बोल रहा होगा या लिख रहा होगा या पब्लिश कर रहा होगा अखबार में या कहीं भी,
सही है, या उन इशारों से आपकी इज्जत को या आपकी पर्सनैलिटी को या आपके करेक्टर को नुकसान पहुंच रहा होगा और आप अनईजी फील कर रहे होंगे. नंबर थ्री, कंसर्निंग एनी पर्सन, यानी कि आपके ऊपर भी हो सकता है या किसी और पर्सन के लिए भी हो सकता है, ऊपर हो सकता है. हार्मिंग अ पर्सन करेक्टर और रेपुटेशन इज नॉन हेल्थ डेफामेशन. तो इन इस चीज़, ये सारी चीज़ें जो ऊपर तीन चीज़ें बोली हैं कि ओरल रिटर्न, या वो आपसे ओरली आपको नुकसान पहुँचाएगा, या रिटर्न या पब्लिश करके कुछ चीज़, या अपने साइन एंड जेस्चर से या इशारों से आपके ऊपर कोई एलिगेशन या आपको टीज या आपको अनईजी फील करवा रहा होगा और उससे आपकी रेपुटेशन को या आपके करेक्टर को हार्म हो रहा होगा और आप हार्म फील कर रहे होंगे, और जैसे ही आपने वो हार्म फील किया है तो तब से वो बंदा आपके साथ डेफामेशन कर रहा है और आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं. मतलब ये कि अगर किसी इंसान ने सच भी बोला है तो उसके बावजूद भी आप उसे कोर्ट पे लेके जा सकते हैं, वो प्रूफ बाद में होता रहेगा ये जो उसने बोला है कि ये सच बोला था कि नहीं, ये बाद में प्रूफ होता रहेगा, बट आप उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं. सच्ची बात बोली है या नहीं ये चीज़ कोर्ट डिसाइड करेगी. डेफेमेशन कब नहीं होगा, जब वो बाकी लोगों के फायदे के लिए बात की जाए. मतलब कि डेफेमेशन उस टाइम नहीं होगा जब कोई इंसान बाकी पब्लिक इन लार्ज या पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बात की जा रही होगी, बट जो चीज़ उसने बोली है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए या पब्लिक के फ़ायदे के लिए, वो चीज़ डेफेमेशन में आती है या नहीं आती वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी. तो इसलिए इवन के कोई बंदा सच भी बोल रहा है तो आप उसको कोर्ट पे तो लेके जा सकते हैं डेफेमेशन के केस पे. यहाँ पर ये बात हो रही है, यहाँ पर उसने कुछ भी बोला है या सच बोला है या किसी तरह की भी कोई चीज़ बोली है, तो इवन के अगर कोई इंसान इशारे कर रहा है और उसके इशारे करने, उसने कोई चीज़ बोली नहीं, कोई रिटर्न पे नहीं लिखी, लेकिन वो इशारे कर रहा है, तो उन इशारों की बेस पे भी आप उस इंसान को कोर्ट पे लेके जा सकते हैं डेफेमेशन के केस पे. तो मतलब ये कि डेफेमेशन तीन तरह की हैं, ओरल, रिटर्न, ओरल होगी, रिटर्न होगी और इशारों के जरिए. तो यहाँ पर ये बात नोट रखें, यहाँ पर उसने कुछ बोला भी नहीं है, कुछ लिखा भी नहीं है, बट इशारे कर रहा है, तो इशारे करने पर भी आप डेफेमेशन का केस कर सकते हैं उसके ऊपर. एक्सप्लेनेशन, इट मे अमाउंट टू डेफेमेशन टू ब्लेम एनीथिंग टू अ डेड पर्सन इफ द एलिगेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ डेड पर्सन इफ लिविंग एंड इज इंटेंडेड टू बी हर्टफुल टू द फीलिंग ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स. यहाँ पर अगर आप किसी मरे हुए इंसान की डेफेमेशन करते हैं तो तब भी आप पर केस हो सकता है. तो उस मरे हुए इंसान के रिश्तेदार डेफेमेशन का केस आपके ऊपर कर सकते हैं, या उसकी फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर केस कर सकते हैं. यहाँ पर अगली चीज है, अ पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूट और सू इवन फॉर अ स्टेटमेंट अबाउट द डेथ. अगर आप एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं किसी मरे हुए इंसान के बारे में, तब भी उसकी फैमिली और उसके रिश्तेदार अपने उस डेथ, जिसकी जिस डेड बॉडी या जिस मरे हुए इंसान के बारे में आप बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो उसकी फैमिली और उसके रिश्तेदार केस कर सकते हैं. इवन इफ अ पर्सन हैज स्पोकन द ट्रूथ ही शी कैन बी प्रोसिक्यूट फॉर डेफामेशन. यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर इवन के अगला पर्सन उस मरे हुए इंसान के बारे में सच ही बोल रहा है, सच लिख रहा है, सच बोल रहा है, उसके बावजूद भी उसकी फैमिली के पास राइट है कि वो उस लिखने वाले के ऊपर या बोलने वाले के ऊपर जाके डेफामेशन का केस कर दें. ये चीज़ कोर्ट प्रूफ करेगी जो उसे लिखा है या बोला है वो डेफेमेशन है या नहीं है, वो चीज़ कोर्ट प्रूफ करेगी, लेकिन आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं. इट मे अमाउंट टू डेफेमेशन टू मेक फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट कंसर्निंग अ कंपनी और एन एसोसिएशन
और कलेक्शन ऑफ पर्सन हैज सच। मतलब ये कि अगर कोई इंसान एक से ज़्यादा लोगों के अगेंस्ट डेफेमेशन कर रहा है, अगर आप किसी कंपनी को, ग्रुप ऑफ पर्सन को या किसी एसोसिएशन को डीफेम कर रहे हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। या फिर एक और चीज़ ये है कि अगर आपकी किसी कंपनी को और आपके किसी ग्रुप को और आपके किसी एसोसिएशन को अगर कोई भी इंसान डिफेम कर रहा है तो आप उस इंसान के ऊपर केस कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, अ पर्सन कैन बी सू और प्रोसिक्यूट इवन फॉर अ स्टेटमेंट अबाउट द कंपनी, ग्रुप और एसोसिएशन। एक स्टेटमेंट देने पर भी आपके ऊपर डेफेमेशन का केस हो सकता है। इवन इफ अ पर्सन हैज स्पोकन द ट्रूथ, ही और शी कैन बी प्रोसिक्यूट फॉर डेफेमेशन। अगर वो सच भी बोल रहा है तब भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ये बात कोर्ट पे जाके प्रूव होगी कि उसने जो चीज़ बोली है वो सच है या झूठ, वो बाद में होता रहेगा प्रूफ, आप केस कर सकते हैं। एन एलिगेशन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस आयरोनिकली मे अमाउंट टू डेफेमेशन। मतलब ये कि जो अब आयरोनिकली स्टेटमेंट होंगी उस पर भी डेफेमेशन का केस हो सकता है कि जानबूझकर उल्टी तरह जब बात की जाती है तो यहाँ पर भी आप एक डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। क्या एक इंसान आपको सीधी तरह बात, आपको सीधी तरह टोंड या कमेंट या आपको आपका सीधी तरह मजाक नहीं उड़ा रहा, उसने बात उल्टी तरह की है और उल्टी तरह आपको लगाई है बात, ठीक है, तो अल्टरनेटिव और आयरोनिकली, ठीक है, स्टेटमेंट उसने दी है और आपको बात लगाई है उसने, या आपको टोंट मारा है, तंज मारा है, मजाक उड़ाया है, कमेंट किया है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। इवन एन आयरोनिकली स्टेटमेंट कैन अमाउंट टू डेफेमेशन। एक आयरोनिकली स्टेटमेंट भी अगर उसने बोल दी है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं डेफेमेशन का। इवन इफ अ पर्सन हैज स्पोकन द ट्रूथ, ही और शी कैन बी प्रोसिक्यूट फॉर डेफेमेशन। अगर उसने सच भी बोला है तब भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ये काम कोर्ट का है, वो डिसाइड करेगी कि डेफेमेशन हुई या नहीं हुई, ये काम कोर्ट का है। नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन रेपुटेशन अनलेस दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेट ऑफ अदर लोअर्स द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल करेक्टर ऑफ दैट पर्सन और लोअर द करेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट ऑफ his calling or lowers the credit of that person or causes it to be believed that body of that person is in the loathsome state or in the state generally considered as disgraceful। मतलब ये कि अगर किसी ने directly या indirectly कुछ ऐसे word बोल दिए हैं जिससे आपके moral character को नुकसान पहुँचता है, intellectual character को नुकसान पहुँचता है, या आप कि कास्ट के बारे में गलत बोला है, या आपके काम के क्रेडिट को कम करने की कोशिश करता है या की हो कोशिश, तो आप उस पर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। और ये भी बोलना भी डेफेमेशन है, इस शख्स का जिस्म एक गैर मामूली हालत में है, या इस शख्स का जिस्म शर्मनाक हालत में है, ये इस तरह भी बोलना या सोचना डेफेमेशन के जिम्रे में आता है। तो इवन इफ अ पर्सन हैज स्पोकन द ट्रूथ, ही और शी कैन बी प्रोसिक्यूट फॉर डेफेमेशन। तो यहाँ पर वही बात कि अगर किसी बंदे ने सच भी बोला है तब भी आप उसके ऊपर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है, तो टी कहता है एस इज द करप्ट, टी उसके ऊपर एक्स के ऊपर एक आर्टिकल लिख देते हैं कि वो ना एक करप्ट बंदा है। जो एस है ना वो कहते हैं कि मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, टी ने तो डेफेमेशन कर दी। तो यहाँ पर ये डेफेमेशन है और टी के ऊपर केस किया जा सकता है, और ये चीज कोर्ट डिसाइड करेगी जो टी ने लिखा है वो सच है या झूठ है। सच और झूठ का फैसला पुलिस ने नहीं करना, आपने नहीं करना, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए से जेड इज
honest man, he never stole B watch. A pointing to cause it to be believed that Z did steal B's watch. This is defamation. यहाँ पर एक बंदा A था. A ने कहा कि Z एक honest बंदा है और वो तो चोरी कर ही नहीं सकता. वो तो चोर हो ही नहीं सकता. ना ही उसने B की watch चोरी की है. और जो A ने यही बोला और साथ पे A ने इस तरह अल्फाजों को और अपने अशारों से इस तरह शो किया कि जेड तो चोर है ही नहीं और साथ में जेड की तरफ इशारे कर रहा था कि बी की वॉच जेड ने तो चोरी नहीं की. इनके ये इशारे कर रहे थे कि इनके इनडायरेक्टली कह रहे कि भाई बी की जो वॉच है ना वो जेड खड़ा है, जेड ने चोरी की है. तो जो ये चीज है यहाँ पर जो जेड है उसके ऊपर ए के ऊपर डेफेमेशन का केस कर सकता है. इवन के चाहे ए सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था तो ये चीज कोर्ट में जाके प्रूव होगी कि क्या सच था क्या झूठ था. आप डेफेमेशन का केस कर सकते हैं. एक और एग्जांपल है. ए इज आस्क्ड हु स्टॉल बी वॉच. ए से पूछा गया कि बी की वॉच किसने चोरी की है. ए ने पॉइंट किया कि वो जो जेड खड़ा है ना उसने चोरी की है. ठीक. तो यहां पर जो ए ने जो ये इशारा किया है अपना ये इशारा किया जो वो जो के वो जो जेड खड़ा है तो ये डेफेमेशन है. तो ए ने डेफेमेशन किया ए के ऊपर डेफेमेशन का केस चलेगा. इवन दो ये मैटर नहीं करता कि मेरा ख्याल था, मेरे ख्याल में उसने चोरी की है, ये वो ठीक है. आपका ख्याल था, आपने डेफेमेशन कर दी, आप भुगतो के केस सही है. और ये चीज फिर वो आप कोर्ट पे जाके प्रूव करो कि आपका ख्याल था या आपको पता था या नहीं पता था, वो चीज कोर्ट पे प्रूव होगी. एक और एग्जांपल है. ए ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ जेड रनिंग अवे विद बी वॉच. ठीक है. यहां पर फिर ए से पूछा गया कि घड़ी किसने चोरी की है बी की. ए ने पिक्चर बना दी जेड की. ठीक है. कि जेड ना ये अपनी बाइक पे ये घड़ी चोरी करके जा रहा है. उसने अपने बल्कि फोन में से पिक्चर निकाल के दिखा दी ये किसने चढ़ाई है. उसने फोन में से पिक्चर निकाल के दिखाई जेड की. सही. ये ड्रॉ कर दिए, दिखा दी. तो ये भी ए ने जो किया डेफेमेशन की है. तो यहाँ पर ए के ऊपर डेफेमेशन का केस चलेगा और होगा. तो यहाँ पर ये नहीं होता कि मेरा ख्याल था या मुझे लगा और यूं करके. तो ये जो ख्याल और लगा है और इस तरह से डाउट ये कोर्ट पे जाके प्रूव होगा. Subscribe and turn your notifications on.